क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। देखिए, मेरा नाम नादिरा बेगम है और मैं फसलानसार सैयद नगर में रहती हूँ, जमील पहलवान के घर के आगे रहती हूँ। मेरे को 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं और गुलकिस्मा, ये छोटे बेटे हैं नजीब खान। और गुलकिस्मा, देखो मैं इनको अब तक 30 लाख रुपये दी, आज 13 साल से इन्हों बाहर जा रहे और मेरे को इतना टॉर्चर करते इन्हों, इनके ससुराल के घर में लेके जाके, आज को 4 साल पहले इनके ससुराल में लेके गए, वहाँ ससुराल में भी मेरे को लड़ा के मारे। इनके ससुरे ऐसा नहीं बोले, हमारे घर में लेके आके कई को मारे बोल के नहीं बोले, ठीक है वो बात। मैं बोली चलो मेरे को लेके आए थे बात करने के वास्ते, चलो अपने घर को लेके जाके छोड़ दो, बोले तो लेके आए, तो गाड़ी पर बिठा के लेके आ रहे, तो एक से लंगी एक गाली दे रहे 4 साल पहले, लंगी लंगी गाली दे के क्या करें मालूम। वो हैप्पी होम के पास मेरे को उतार दे के ना चाकू लेके मेरे को मार रहे थे, और ऊपर से हेडलाइन मारते हुए 2 जवान बच्चे आए, आके देखिए मार रहे, उसको मार रहे, तो मैं समझ रही हूँ क्या करके आ गई थी, क्या है कि जब ही तो इनको ये बच्चे मारे, बोल के अजी बाबा कई को मार रहे मेरे बच्चे को, बोला तेरा खाला आपका बेटा है ये आपको चाकू से मार रहा था, बोले आपको कई को लेके आया खाला, ये आप कहाँ रहते, बोले तो मैं फसलानसार अहमदनगर में रहती हूँ, नशीमन के घर में रहती हूँ, बिल्डिंग है मेरी, मैं वहाँ पे रहती हूँ, मेरे को यहाँ बच्चा उसके ससुराल में जाने के वास्ते लाया, बोल के मैं आई तो क्या बोल रहा मेरे को मारा, अरे खाला आपको चाकू से मारा था ना, बोल के उसको 2000 पब्लिक मारी, पूरे सड़क के आने जाने वाले सब लोग हमारे। मारने के बाद में वहाँ के लीडर को फोन करे, वो बच्चे पढ़े लिखे काबिल थे, कौन थे वो अल्लाह के लाल, मेरे को तो नहीं मालूम। देखिए आप, तो उन्होंने आके बोले कि नहीं खाला आपको मार देने लाया है बच्चा, तो उसके ससुराल का फोन नंबर दे, बोले तो फोन नंबर नहीं दे रहा, नहीं देखे क्या बोल रहा मालूम है मेरे ससुराल, फिर पूरे जने औरतें लेडीज 2000 पब्लिक मार के उसको क्या करे, सास ससुराल को बुलाए और उसको PS में लेके गए, शिवरामपल्ली की PS में लेके गए आज से 4 साल पहले, और पागल पना करा, दीवाना पना करा, शादी करके लेके उसको शिवरामपल्ली में उसका केस है 2000 पब्लिक पूरा बयान दी, माँ को चाकू से मार रहा था हैप्पी होम के पास लेके आके, इन्हें फसलानसार में रह के या माँ को कई को लेके आया, बोल के लोग पूरे पूछे तो क्या क्या बोल गया कि वो पुलिस को क्या पैसे खिलाया क्या खिलाया, छुट के आ गया, उसकी पैंट फाड़ दिए, बुशटा फाड़ दिए, 2000 पब्लिक रस्ते से जाने वाली मारे, माँ को मार रहा बोल के, फिर भी उन्होंने सुधरा नहीं। सुधरने के बाद में मैं चलो पुलिस में केस हो गया, मैं घर को आ गई, मेरे बहना के पास जाके रह रही, छुपते रह रही, सब जने बोले खाला तुम उसके सामने नहीं रहना, वो बच्चा मार देता आपको नहीं रहना बोल के, बोले तो मैं कब तक मेरा घर छोड़ के मेरे माँ बहना कर रहूँ आप बोलो। चलो फिर भी मैं हिम्मत करके मेरे घर में आ गई करी, अब फिर आया ससुराल में से आया करा, मैं तुम्हारे के नीचे रहता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ, कमाने नहीं जाता था, इन्हें उसका पासपोर्ट मंगा के देखो इन्हें साल में कितने ट्रिप करता, इन्हें स्मगलर इन है, वहाँ से सोना चांदी हर एक चीज लेके आता, ससुराल में भरता, पूरा बेच लेता, लंगा हो जाता, फिर माँ को पैसा दिए बोल के तंग करता। मैं 13 साल में उसको 30 लाख रुपये दी साहब, उसको मिंबर पे चल के खसम खा लो बोलो, उन्हें नहीं लिया बोल के, उन्हें देता नहीं, मैं लेती नहीं, और वैसे मेरे पास आया, फिर पैरा हाथा पड़ के अम्मा मैं तुम्हारे पास ही रहता हूँ, नहीं जाता वो जाता बोल के, मैं नई बस्ती के घर में थी तो मेरे को ये घर में लाया तो इसको 10 बार घर आंधी में ये वो घर बने मार है, तो मैं नई बस्ती में ऐसे मार रहा कर रहा, तो मैं बोले नको मेरी पुरानी बस्ती है, मैं पुरानी बस्ती में आऊंगी, पुरानी बस्ती वाले तो भी मेरी मदद करते, बोल के शीतम का घर बना के पीछे आ गई मैं। पीछे आने के बाद में क्या बोला मालूम, नहीं अम्मा तुम मेरे साथ ही रहो, मैं यहाँ नई बस्ती में नहीं रहता, मैं यहाँ रहता हूँ तुम्हारे साथ, बोल के मेरे को नई बस्ती से यहाँ लेके आ गया, लेके आया तो चलो बेटा चाहे पड़े सब देने बोले आ जाओ, बोले तो मैं आ गई। फिर यहाँ आने के बाद में वही स्टाचारा मारम पीटी, बस्ती नहीं दिख रही, गवाह नहीं है बस्ती, वही गलीस गालियां, लंगे गालियां, मैं दामादा के साथ फलाना दामादा मेरे भाई पुरना वो ये क्या क्या बोलता, खैर अल्लाह गवाह है, अल्लाह का रसूल गवाह है, मेरे को उन्हें जो बोल रहा मैं, मेरे को वो नहीं है, मैं अल्लाह की कैसी बंदी हूँ मेरे को मालूम है, मेरे अल्लाह को मालूम है, उन्हें बेटा हो के ऐसे टाचाराम देता हर एक चीज। फिर दीवानापन शुरू कर दिया, शादी करके लेके 4 लाख रुपये लगा के पागलपने में 15 दिन में लई उसकी बीवी को करके 4 लाख रुपये लगा के, बीवी को 8 तोले सोना डाली, 8 तोले, बड़े भाई की कैसी शादी करी वैसी करना, ये नहीं बोलना उन्हें इंजीनियर था उसकी अच्छी करे बोल के, वो बड़ा बेटा भी मेरे को 2 पैसे कमा के नहीं दिया, मेरे ओन कमाई पे करके दी, वो बड़े बेटे को भी 8 तोले सोना, इसको भी 8 तोले सोना डाली, वो डाली, सब चीज करी करी, फिर यहाँ एक घर बने, चलो यहाँ रहेगी तो करे, रहना नहीं रहना, ये घर छोड़े तो भी यहाँ नहीं रहा, फिर इन्हें ऐसे लग रहा तो फिर मैं नई बस्ती के घर में चलेगी,
चलो मैं इसके साथ ही रह रही थी, चलो जान दे औलादी से ना, इसको 3 बच्चे हो गए वो हो गए बोल के इसके साथ ही सब रह रही कर रही वो कर रही, इसका हाथ खाली मारा हूँ क्योंकि कभी मेरा दामादान लड़ने नहीं है, कभी मेरे बेटियां लड़ने नहीं है, मेरे को इतना मारम पीटी हुई तो जान दे मैं भी नहीं बुलाती थी जान दो कर। अब कल तो पूरा मार के मेरे को सतरोल करके बेहोश डाल दिया, पूरे लोग व्हाट्सअप पे देख लिए हर एक चीज करे मेरे को बेहोश डाला तो मैं कैसा आ सकती हूँ पुलिस में, और बिना इंक्वायरी के केस कैसा बुक होता, बिना इंक्वायरी के केस कैसा बुक होता, ये बोलो साहब। हाँ हाँ पूरा 5 जनों पे केस, मेरे 20 साल से मेरे बच्चियां कभी एक रात एक दस्तर का खाना नहीं खाए, एक टाइम का खाना नहीं खाए, मेरे दामादाम 20 साल में एक बेटी को टॉर्चर दे दे के एक बेटी को पागल कर दिया, बेटी पागल हो गया उसको ले लेके चले गया, समझे हर एक चीज हो गए, माँ को मारा तो जुलम नहीं है और इसको मारा तो जुलम है क्या, और ये मेरे साथ बूढ़ी अम्मा रहेगी तो इनको तक बाला पकड़ के लेड़ा लेड़ा के मारा, मैं कह रही थी मेरी अम्मा है क्या मैंने वह मारता, मेरे को आके इंक्वायरी करके मेरे को फांसी की सजा देना है, फांसी की सजा दो, बिना इंक्वायरी के केस नहीं होता, खान को ये बोल दो बिना इंक्वायरी के केस नहीं हो सकता, कौन सा डोरी केस बुक करा दिए, कहते कैसा बुक होता है बस्ती में आके पूछ लो, मैं कभी भाव से लड़ी कभी बेटे का जुलम है पूरी बस्ती से आके पूछो, अगर मेरे खिलाफ है तो मेरे को फांसी की सजा दे दो, मेरे को मेरे बच्चों को फांसी की सजा दे दो, मैं पहली बार वो मेरे दामाद को मैं जाके बुला के लेके वो भी मैं बेहोश हो गई सब देख के पूरी पब्लिक बुलाई तो मेरा दामाद आया, नहीं तो मेरा दामाद कभी नहीं आया, और 500 के पर ना जायज मेरे हमारे पे गोश्त बुक करा दिया, 5 जने एक रही नजमुनिसा बड़ी बेटी, फिर बड़ा दामाद शेख फरीद, फिर छोटी बेटी रही सुनिसा, छोटा दामाद शेख सईद, उन्हें भी पुलिस वाला है सब, मगर कभी कोई बीच में नहीं, आज 7 साल से उदम कर रहा तो मैं के सब दुनिया को जुलम दिया थी साहब, सगा बेटा है माफ है, अब मैं इसके अंदर एक बात झूठ नहीं बोल रही, अल्लाह अल्लाह का हबीब गवाह अल्लाह, तू मेरा साथ दे परवरदिगार, कोई नहीं दिए तो नहीं दिए अल्लाह, मैं तेरे सारे जिले में अब तक उसको कभी पुलिस में नहीं दी, कभी नाके में नहीं दी, परसों 8 दिन पहले भी 1 महीना पहले भी आके दरवाजे फोड़ दिया, ट्रालियां तोड़ दिया, ट्रालियां वालों का 15,000 नुकसान दी मैं, आने फोड़ा तो वो ट्रालियां किराए पे रखते थे उनको नक्को रखो बोले जो उन्होंने भी मेरे को पैसे नहीं देते, देते तो देते नहीं तो नहीं देते, तो चलो जान दो गरीबी में पलने दो, मेरे को दुआ से लगती बोल के छोड़ दी मैं, तो ट्रालियां के आईने फोड़ा तो 15,000 नुकसान दी, दरवाजे तोड़ दिया ये पूरे, मैं नहीं रहना रातमगढ़ में आके मेरा मटर करना बोल के पूरे दरवाजे तोड़ दिया ये, मेरा किराएदार मेरे घर में रहता बड़ा ही, तो उसको फोन करे तो उन्हें 12 बजे रात को आके बता के गया दरवाजा में होना बोले, तो वो बड़ा ही को भी बुलाती मैं, सब प्रूफ है मेरे पास समझो, परसों 7 लाख रुपये यूरोप को जाने के वास्ते लेके गया, वो 30 लाख रुपये तो लेके गया, मैं उसको माफ कर दी, उन्हें देता नहीं मेरे को होता नहीं, अब परसों 7 लाख रुपये लेके गया, बेटियों के सामने 4 लाख रुपये दी नगद, 3 लाख रुपये जेवर रहन रखा के दी, जेवर है मारवाड़ी भी है, मारवाड़ी भी है, 7 लाख रुपये लेके जाके उसमें से मेरे को 1 रुपया 1 लाख रुपये वापिस करा, 1,20,000 वापिस करा, तो मेरी एक बड़ी बेटी के पैसे देना था तो वो बड़ी बेटी के पैसे दे दिए, हाँ बड़ी होना मेरे को देखो सब कुछ नहीं होना, और ये मेरी माँ मेरे साथ जो भी रहे उनको भी मार देता, वो डर के कोई भी मेरे साथ भी नहीं रहते, ये कौन सा इंसाफ है, माँ के साथ ज़ईफ माँ को अकेली बेवा कोई सहारा नहीं है मेरा, सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ, कोई भी किसको भी रख ली तो उनको भी मारता, तुम लोग कैसा रहता, और नंबर 1 चोर नंबर 1 डाकू ही ने, इसके कितने कारनामे है, आबिट्स पे ने कॉलेज को जाता तो चोरियां करता था, मैं बताती हूँ लेके जाके प्रूफ के साथ, और बोलते इसमें गांजा मारता, और लड़के मार के क्या करता, बस्ती में बैठ के क्या बात, शराब के बाटल हम पीता, मैं शराब के नशे में मारा बोलता, मैं पुलिस में जब गई तो ये बात बोलता मेरे, मैं पुलिस में 8 दिन पहले गई, 8 दिन पहले पीएस में गई, अभी तो आपके पास उन्हें नहीं आया था, उमान पुलिस स्टेशन को नहीं गया था, मैं आज 1 महीने से बंजा रही इसकी पुलिस स्टेशन को फिर अकेली, कोई मेरा साथ नहीं दिया, कोई कानून इंसाफ नहीं दिया, मैं इसको मारी ना करी मेरे पे केस कैसा बुक होता, बुढ़ी औरत और मेरे बेटियों पे केस कैसा बुक होता, पहले आना तहकीकात करना क्या है सो, अगर हमारा सच निकलेगा तो हमारे को फांसी की सजा दे दो, हम तैयार भुगतने हैं, बेइंसाफी के हमारे को सजा मत दो, सबको सजा देना है नहीं देना है, कानून भी अंधा नहीं है, कानून का भी इंसाफ है, एक बेटी के साथ एक दो दामाद के साथ दो भाव बेटियों के साथ तीनों करे 20 साल हो गए, आज मेरे बेटियां मेरे घर पे एक रात नहीं है, मैं बाजू भी रही तो कभी नहीं, मेरे बेटियों का मैं जाती हूँ बुरखा पहन लेके, तो वो भी बढ़ रहा बुरखा पहन के जाते, मैं अकेली रहना बोलता मेरे को मार देने के वास्ते अकेली रहना बोलता, किसी को नहीं रखता, ये कैसा इंसाफ है बोलो, मैं माँ को मैं अकेली तरह, मैं भी एक्समैन की बीवी हूँ, फौजी की बीवी हूँ, मैं भी कमांडर का लेटर लेके आती हूँ, मैं भी उसको अंदर कर देती हूँ, मेरे को कमांडर की हेल्प है, अभी भी जाती हूँ
जाती हूँ। जब मेरे साथ ना इंसाफी हुई तो मैं कमांडर के पास चले जाती हूँ, मीडिया को लेके कमांडर के पास चले जाती हूँ। मैं भी एक्समैन की बीवी हूँ, मैं समझे, मैं भी उन्हें जब बेटे का बेटा मार के उल्टा केस मेरे पे बुक कराया तो मेरे को मारा तो केस बुक नहीं होता क्या? हर बिल्डिंग रहन रखा थी उसको 7 लाख रुपए लगे थे। अब वो बिल्डिंग केस बुक हुआ तो सच है तो मेरा केस बुक होना, सच नहीं है मेरी इंक्वायरी झूठी निकली तो मेरा केस बुक नहीं होना, मेरा मेरे बच्चियों का।